Recipe of noodle macaronia spaghetti. Water is boiled. Pani boil ho raha. I will add noodles macaronia. Main isme dal dungi. I hope ki kuch meri recipe achhi lage aur pasand aaye aur aap usko try karne ki koshish karo. Bahut easy busy hai aur meri favorite hai. नूडल्स को बॉईल करने के लिए इसके अंदर ऑयल डाल दें बहुत अच्छा होता है और नमक ऑनियन प्याज नॉर्मल साइज के 3 प्याज और इनको मैं चॉप कर लूंगी काट लूंगी नाउ मैंने एक पॉट एक पतीली लिया है और इसके अंदर मैं ऑयल डालूंगी और इसमें प्याजों को ऐड कर देंगे और ये मैंने प्याज ऐड किए हैं साथ ही मेरे जो नूडल्स हैं वो बॉईल हो गए हैं अच्छे से इनको जो है मैं निकाल लूंगी सुखा लूंगी अदरक लहसुन जिंजर गार्लिक इनको चॉप कर लेंगे छोटा-छोटा आप पेस्ट भी ले सकते हो लेकिन मुझे फ्रेश पसंद है और मैं फ्रेश ही ऐड करती हूं ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इस थोड़े प्याज फ्राई करके फिर इनको इसके साथ फ्राई करते हैं और साथ ही जो थे मेरे नूडल्स इनको मैं सुखा रही हूं ताकि ये सूख जाए पानी सारा वेस्ट कर देंगे और ये मैंने सेव कर लिया ताकि मैं इनको बाद में ऐड कर सकूं ये चिकन है और मैंने बोनलेस चिकन लिया है और इसको मैं फिर जो मेरा ये था प्याज और लहसुन और अदरक इसके अंदर मैं चिकन जब ऐड कर दूंगी इसको मैंने धो लिया था और इसको फ्राई करेंगे काफी देर फ्राई करेंगे काफी देर फ्राई करेंगे वैसे कुकिंग करना भी एक आर्ट है हर कोई कुकिंग नहीं कर सकता और मैं कोई अच्छी कुकिंग नहीं करती हूं पर जो मैं नूडल्स है और मैक्रोनिया वगैरह वो मैं बस अच्छे बनाती हूं और अल्हम्दुलिल्लाह हर बड़ी अच्छे बनते हैं पहले से ज्यादा टेस्टी बनते हैं इसके अंदर जीरा डाल रही हूं मैं आप देख सकते हो जीरा और ये काली मिर्चें हैं साबित काली मिर्चें हैं वो मैंने डाली है ब्लैक पेपर और इसके साथ इसको फ्राई करेंगे काफी देर तक दो प्यारे-प्यारे टमाटर मैं इनको चॉप कर लूंगी अच्छा लोग टमाटर सॉस भी यूज करते हैं लेकिन मुझे फ्रेश टमाटर ही पसंद है वो ज्यादा अच्छा होता है और इसके अलावा मैं इस पॉइंट पे अपने इन टमाटरों में मसाला जात जो है वो ऐड कर लूंगी जैसे टर्मरिक पाउडर हल्दी का पाउडर ये जीरा पाउडर क्यूमिन पाउडर और इसके बाद कोरिएंडर रस पाउडर सूखे धनिया का जो पाउडर होता है वो और नमक जितना आपको चाहिए हो जितना आप डालते हो नमक और इन सारी चीजों को मैं हांडी में ऐड कर दूंगी मैं इतनी ज्यादा स्पाइसी नहीं खाती हूं इसलिए मैं मिर्ची नहीं डालती हूं अगर आप चाहो तो मिर्ची डाल सकते हो इन सारी चीजों को अच्छे से पकाएंगे अच्छे से कुक करेंगे और इसके अंदर आहिस्ता-आहिस्ता बाकी सब्जियां भी डालते जाएंगे ये गाजरें हैं इनको अच्छे से छोटा-छोटा चॉप कर लेंगे बहुत छोटा-छोटा काट लेंगे होती हैं यहां पर गाजरें सख्त होती हैं तो इनको मैं बॉईल कर लूंगी अलग से ये गाजरें मैंने बॉईल कर ली और इनको बॉईल करके निकाल लूंगी ये मैंने गाजरें निकाल ली हैं और इनको फिर मैं अपनी ये जो साथ की मेरा वो बन रहा है इसके अंदर मैं गाजरों को ऐड कर दूंगी और आप देखोगे कि आपकी रेसिपी बहुत ही सिंपल बहुत ही बेसिक सब्जियों के साथ गाजरें बहुत ही फ्रेश और बहुत ही हेल्दी है ये और ये देखें शिमला मिर्चें हैं इनको भी छोटा-छोटा काट लेंगे और काट कर आप इसको भी अपने इसमें ऐड कर दें सारे इसके साथ और इनको ऐड करके फिर पकाएंगे आप अगर और भी सब्जियां डालना चाहते हो तो वो डाल सकते हो मुझे बस ज्यादातर इतनी मैं सब्जियां डालना पसंद करती हूं गाजरें शिमला मिर्चें और चिकन और बहुत अच्छा नूडल्स बनेंगे बहुत ही जबरदस्त होंगे ये इनका मिक्सचर जो है वो ही आपको पता चल रहा है कितना अच्छा है
पर इसको अच्छे से कुक करना है ताकि सब्जियां जो हैं वो भी अच्छे से पक जाएं और जो चिकन है वो भी अच्छे से पक जाए। और जब आपको लगे कि आपकी सब्जियां पक गई हैं तो आप उसके अंदर नूडल्स ऐड कर दो, जैसे कि मैंने ऐड कर दिए अपने नूडल्स, और फिर इनको थोड़ी देर ढककर कवर करके मिक्स करके कुक करना है ताकि नूडल्स और जो सारा का सारा मिक्सचर है वो आपस में मैश हो जाए, मिक्स हो जाए अच्छे से। थोड़ी देर इसको कवर करके पकाओ, थोड़ी देर इसका कवर उतार के पकाओ, और ये बहुत बहुत ज़बरदस्त पकेंगे। और ये थोड़ा ट्रिकी है इनको मूव करना, बिकॉज़ ये एकदम लॉन्ग होते हैं और ये बाहर गिरने की कोशिश करते हैं, पर आई थिंक ये सबसे मज़े का पार्ट है। और ये मेरे फेवरेट नूडल्स भी हैं और मैं बहुत शौक़ से बनाती हूँ, और मैं जब भी बनाती हूँ सब लोग सारा का सारा खा लेते हैं और सब लोग कहते हैं बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे एक नूडल्स ही अच्छे से बनाने आते हैं। मैं कह सकती हूँ कि मैं नूडल या पास्ता एक्सपर्ट हूँ, इसके अलावा मुझे कोई और सब्ज़ियाँ और इतने सालन बनाने नहीं आते अच्छे से। आई होप कि आप मेरी रेसिपी को ट्राई करोगे, आपको मेरी रेसिपी बहुत यमी लगेगी, टेस्टी लगेगी। ये बहुत यमी है, बहुत टेस्टी है, और ये आप तकरीबन पक कर रेडी हो गए हैं, और रेडी हो गए हैं। मैंने चूल्हा अब इनका बंद कर रही हूँ मैं, और अब इनको मैं प्लेट में निकालूंगी और प्लेट में निकाल कर अपने लिए सर्व करूँगी। आप इनको किसी सॉस के साथ भी खा सकते हो, आपको अगर कोई सॉस चाहिए हो और उस सॉस में भी आप डाल सकते हो, लेकिन ये वैसे ही बहुत टेस्टी हैं। आप देख सकते हो कितने प्यारे से मज़े के निकल रहे हैं और कितने टेस्टी हैं। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे लगे, आप ट्राई ज़रूर करना, आपको मज़ा आएगा। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर बताएं आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।